हेलो फ्रेंड्स, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स एंड ट्रैवल प्राइवेट लिमिटेड। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप थाईलैंड का ई पास नए गाइडलाइन के अनुरूप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है, थाईलैंड ने टेस्ट एंड ग्रो प्रोग्राम कुछ समय के लिए कोरोना के चलते बंद कर दिया था, जो कि अब थाईलैंड ने दोबारा से चालू कर दिया है। किन किन डॉक्यूमेंट्स की आपको ई पास बनवाने के लिए जरूरत पड़ेगी, मैं आपको बताऊंगा विस्तार से। तो आइए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो फ्रेंड्स, आ गए हैं हम ब्राउजर के ऊपर। ब्राउजर पे हम टाइप करेंगे tp.consular.go.th। इस पेज को हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद ये पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज पे बताया गया है कि आपको किन किन डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी थाई पास अप्लाई करने के लिए, जैसे कि आपका पासपोर्ट एंड वीजा, सर्टिफिकेट ऑफ वैक्सीनेशन, आपका 50,000 का मेडिकल इंश्योरेंस जो कि 50,000 USD से कम नहीं होना चाहिए, आपको पेड रिजर्वेशन कंफर्मेशन देनी है होटल की, जिसमें कि 2 nights डे 1 डे 5th नाइट का आपका 2 RT-PCR टेस्ट के साथ में आपकी पेड रिजर्वेशन होनी चाहिए। आपको चाहिए पेड रिजर्वेशन फ्रॉम SHA एक्स्ट्रा प्लस AQ होटल 2 nights के लिए 1 day और 5th day। इसमें आपको 2 RT-PCR टेस्ट और एयरपोर्ट टू होटल ट्रांसफर भी पेड होना चाहिए। इसके बाद अप्रूवल प्रोसेस में बताया गया है कि आपको थाई पास जो है 3 से 7 दिन के अंदर आपको ईमेल के माध्यम से आपको दे दिया जाएगा। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में किसी भी तरह की कोई परेशानी आती है, कोई दिक्कत आती है या इनकम्प्लेंसी आती है, तो आपको 7 दिन के अंदर थाई एम्बेसी की तरफ से आपको मेल के माध्यम से सूचित किया जाएगा। दोस्तों, इसमें मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि अगर आप डे 5th से पहले अपने देश वापस आ रहे हैं, तो आपको डे 5th का RT-PCR टेस्ट और होटल बुकिंग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल आप साइट पे जाके अपनी रिटर्न टिकट को वहां पे अपलोड कर सकते हैं, जिसके बाद आपका थाई पास अप्रूव्ड हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड, हम आएंगे इस पेज के ऊपर। इस पेज पे हम सिलेक्ट करेंगे नॉन थाई नेशनल्स। इसमें हम लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे इंग्लिश। यहाँ पे फ्रेंड्स, ये हमारा रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो गया है। इसमें हम जाएंगे टेस्ट एंड गो प्रोग्राम के अंदर। ये सारे पॉइंट्स हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ये हमारा एक नेक्स्ट पेज ओपन हो जाता है, जिसको हमें पूरी तरह से पढ़ना है। पढ़ने के बाद फ्रेंड्स, हम यहाँ पे इसको डिक्लेरेशन करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे इसको कन्फर्म कर देंगे। नेक्स्ट पेज पे आ गए हम पर्पस ऑफ अराइवल। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया है ट्रैवल, क्योंकि मैं ट्रैवल पर्पज से जा रहा हूँ। अगर आप बिजनेस, एजुकेशन या हेल्थ केयर पर्पज से जा रहे हैं, तो आप यहाँ पे वही चीज सेलेक्ट करेंगे। डिपार्चर फ्रॉम कंट्री, किस कंट्री से आप डिपार्ट कर रहे हैं। मैं इंडिया से डिपार्ट कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे इंडिया लिख दिया है। फर्स्ट ट्रैवल पोर्ट इन थाईलैंड, थाईलैंड में आप सबसे पहले किस पोर्ट पे अराइव करेंगे। तो मैं स्वर्णभूमि एयरपोर्ट अराइव करूंगा, तो मैंने यहाँ पे स्वर्णभूमि एयरपोर्ट अराइव कर दिया है। इसके बाद नेक्स्ट है फ्लाइट नंबर, आप किस फ्लाइट से जा रहे हैं उसका फ्लाइट नंबर डालेंगे। उसके बाद नेक्स्ट डेट ऑफ अराइवल, डेट ऑफ अराइवल मैंने सेलेक्ट करा है 1/3/2022, क्योंकि मैं 1/3/2022 को जा रहा हूँ, इसलिए मैं 1/3/2022 सेलेक्ट किया है। इसके बाद एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिपार्चर फ्रॉम थाईलैंड, आप थाईलैंड से किस डेट को डिपार्ट करेंगे, तो मैंने यहाँ पे 7/3/2022 सेलेक्ट किया है, क्योंकि मैं 7/3/2022 को वापस आऊँगा। इसके बाद यहाँ से रजिस्टर्ड कर देंगे। रजिस्टर्ड करने के बाद ये डिक्लेरेशन दे रखी है, इसको आप ठीक से अच्छी तरह से पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद अगर आप एग्री है, तो इसको कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद नेक्स्ट पेज ओपन हो गया है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। इसमें हमने यहाँ पे डाला टाइटल मिस्टर, गिवन नेम में मैंने भर दिया है अतुल, मिडिल नेम अगर आपका कुछ है तो मिडिल नेम यहाँ पे आप डालेंगे, फैमिली नेम में आप डालेंगे अपनी कास्ट, मैंने यहाँ पे डाल दिया लड्डा। इसके बाद नेशनलिटी में हम डालेंगे इंडियन, क्योंकि मैं इंडियन हूँ। उसके बाद आप डालेंगे यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ, मैंने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ फीड कर दी है। इसके बाद आप अपने यहाँ ईमेल आईडी डालेंगे, इसके बाद कंफर्म ईमेल आईडी करेंगे। इसके बाद आप अपने डालेंगे यहाँ पे ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन के बाद आप डालेंगे अपना टाइप ऑफ पासपोर्ट। तो नॉर्मली सभी का ऑर्डिनरी पासपोर्ट होता है, तो मैंने यहाँ पे ऑर्डिनरी पासपोर्ट डाल दिया है। इसके बाद आप यहाँ पे डालेंगे अपना पासपोर्ट नंबर, पासपोर्ट नंबर डालने के बाद आप अपने पासपोर्ट की कॉपी, स्कैन कॉपी को यहाँ पे अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद, जैसे मैंने यहाँ पे ले रखा है, मैंने इस कॉपी को यहाँ पे अपलोड कर दिया है। यहाँ पे टिक लग के आ गया है कि ये पासपोर्ट कॉपी अपलोड हो गई है। अपलोड करने के बाद अगर आपके साथ कोई ऐसा बच्चा है जो कि 18 ईयर से जो है कम है, तो यहाँ पे आप उसकी साथ में इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे हम जाएंगे। नेक्स्ट पेज पे जाने के बाद रिकवर फ्रॉम कोविड इन्फेक्शन
विद 1 ईयर, आपको अगर कोविड इन्फेक्शन हुआ है और वो से आपको आप उससे रिकवर हुए हैं 1 साल के अंदर अंदर, तो आप यहाँ पे टिक करेंगे, नहीं तो आप इसको टिक नहीं करेंगे। नेम ऑफ कोविड वैक्सीन, जो आपने वैक्सीन लगवाई है, जैसे मैंने की कोविशील्ड लगवाई है, मैंने यहाँ पे कोविशील्ड फिल्ड कर दिया है, किस डेट पे आपने वैक्सीन लगवाई थी वो डेट आप यहाँ पे डालेंगे। वैक्सीन की डेट डालने के बाद आप यहाँ पे वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जो है आपका फर्स्ट वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की जो है इमेज है आप यहाँ पे अपलोड करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे ये अपलोड कर दी है। अगर आपके पास वैक्सीनेशन का क्यूआर कोड है तो आप यहाँ पे टिक करके उसको वैक्सीनेशन का क्यूआर कोड भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। अगर आप नहीं है तो आप उसको रहने दीजिए। इसके बाद आप सेम तरीके से आप सेकेंड वैक्सीनेशन का डालेंगे। सेकेंड वैक्सीनेशन की जो भी आपकी डेट है, मैं एज ए डेमो पर्पज से मैं कोई भी डेट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद वैक्सीनेशन की डेट सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे जो आपकी सेकेंड डोज वैक्सीनेशन की लगी है उसकी एक स्कैन कॉपी आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। ये स्कैन कॉपी आपकी यहाँ पे अपलोड हो गई है। अपलोड होने के बाद अगर आपका कोई और मोर वैक्सीनेशन की कोई अपडेट है तो आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे इसको डिक्लेरेशन को टिक करेंगे और इसके बाद आप करेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट पेज पे आ गए हैं हम अकोमोडेशन कॉन्टेंट। यहाँ पे हमने अपनी बुकिंग आईडी डालनी है, जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया SHA एक्स्ट्रा प्लस होटल। इसके बाद हमने यहाँ पे डालेंगे प्रोविंस कहाँ पे हम रुकेंगे। मैं थाईलैंड में बैंकॉक में सबसे पहले जाऊँगा, तो मैं बैंकॉक मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे बैंकॉक में जिस होटल पे मैंने बुकिंग करा है मैंने वो यहाँ पे फीड कर दिया है। फीड करने के बाद फ्रेंड यहाँ पे हम जाएंगे बुकिंग आईडी, मैंने यहाँ पे डाल दी है होटल की बुकिंग आईडी। इसके बाद मैंने डेट सेलेक्ट करी है, डेट जिस डेट को मैं वहाँ जा रहा हूँ मैंने वो डेट सेलेक्ट, चेक इन डेट और चेकआउट डेट यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप डालेंगे यहाँ पे RT-PCR, RT-PCR का जो आपको रिसिप्ट नंबर मिला है वो यहाँ पे आप डालेंगे। और यहाँ पे डालने के बाद आप इसमें जो आपको RT-PCR की रिसिप्ट मिली है उसको आप यहाँ पे अपलोड करेंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पे इसको अपलोड कर दिया है। ये अपलोड हो गया है। अपलोड होने के बाद सेम आप यहाँ पे आएंगे कि Day 5 का जो आपका स्टे है थाईलैंड के अंदर वो आप यहाँ पे कंफर्म करेंगे। जैसे कि मैंने डिफरेंट बुकिंग फ्रॉम Day 1 डाली है तो मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया। अगर आप थाईलैंड 5 दिन से कम रुकते हैं तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप अपने टिकट का जो आपकी रिटर्न टिकट है वो अपलोड करके आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं Day 5 के बाद भी थाईलैंड में रहूँगा तो इसलिए मैंने ये सिलेक्ट किया है। सिलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे होटल सेलेक्ट किया है। होटल सेलेक्ट करने के बाद मैं जैसे बैंकॉक में ही रहूँगा तो मैंने बैंकॉक का सेम होटल मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे अपनी डाली है बुकिंग आईडी। बुकिंग आईडी के बाद मैंने डाली है Day 5 की जो चेक इन डेट है और चेकआउट डेट है, उस पर मैंने डाला यहाँ पे RT-PCR, जो सेकेंड मेरा RT-PCR होगा उसका नंबर। सेकेंड RT-PCR नंबर डालने के बाद उसकी जो मेरे को रिसिप्ट मिली है उस रिसिप्ट को टेस्ट की को मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया है। अपलोड करने के बाद मैंने यहाँ पे डाला है अपना ओवरसीज एड्रेस जो कि मेरा अपना एड्रेस है। उसके बाद मैंने यहाँ पे डाला है अपना आउटसाइड का अपना मेरा मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर डालने के बाद मैंने डाला है यहाँ पे अपना इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल, जो भी मेरे परिचित हैं, जो भी नज़दीकी हैं, जिनको मेरी एब्सेंस पे अगर कोई फ़ोन करता है तो उनसे बातचीत हो सके, एक ऐसा परिचित का नंबर मैंने यहाँ डाल दिया है। इसके बाद हम यहाँ से करेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद हमने जो यहाँ पे जो मेडिकल इंश्योरेंस कराया है जो कि $50,000 से कम नहीं होना चाहिए वो यहाँ पे हम इसकी डिटेल डालेंगे। तो जैसे मैं यहाँ पे एक डेमो पर्पज से कोई भी एक पॉलिसी नंबर डाल देता हूँ। इसमें बताया गया कि मिनिमम मेडिकल कवरेज जो है $50,000 का है, तो मैंने यहाँ पे यस सेलेक्ट किया है। और ये जो पॉलिसी है ये टोटल कवर करेगी आपके ड्यूरेशन को जो है थाईलैंड के अंदर, तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया है। डेट डालेंगे जब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, जैसे मैंने डाला है 1 मार्च से लेकर मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है ना। इसके बाद हम डालेंगे अपनी जो आपका इंश्योरेंस हुआ है, इंश्योरेंस का को आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद यहाँ पे इसको सर्टिफाई करेंगे आप। सर्टिफाई करने के बाद इसको आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद जो है कोई अगर आपका एडिशनल डॉक्यूमेंट्स है तो आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद आप यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद ये आपका सारी डिटेल आपकी इस पर शो हो जाएगी। आप इसको एक एक चीज़ को वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद आप इसको सबमिट कर देंगे। ये सबमिट होने के बाद ये आपको एक सक्सेस का मैसेज यहाँ पे आ गया है। ये आपका सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो गया है। अब आपको ईमेल के माध्यम से जो है थाई एम्बेसी की तरफ से आपको सूचित किया जाएगा और आपका ई पास जनरेट कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।
फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन पर टिक करना ना भूलें, जिससे कि आपको सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो टाइम से मिलती रहे। दोस्तों, थाई पास से संबंधित अगर आपको कोई भी परेशानी आती है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके सवाल पूछ सकते हैं। आप मेरे को डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी सहायता करूँगा। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे चैनल के साथ, मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में जल्दी ही। धन्यवाद।